प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नीतीश के आरोपों पर प्रशांत कुमार का पलटवार, उम्र का असर दिखने लगा है, अलग थलग पड़ने से घबराहट में है। कैमूर में किसान यूनियन संघ ने पूर्व कृषि मंत्री के समर्थन में निकाला शांति मार्च, कृषि मंत्री का इस्तीफा वापस लेने की उठाई मांग। सीएम नीतीश कुमार ने किया राजगीर दौरा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बक्सर में भरत मिलाप के मौके पर निकली भव्य झांकियां, जय श्री राम के नारे लगे। नालंदा में रोड ब्रेकर की मांग पर ग्रामीणों ने मचाया उत्पात, ग्रामीणों ने टायर जलाकर सड़क की जाम, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते शनिवार को हेलीकॉप्टर के जरिए गिरियक के घोड़ा कटोरा पहुंचे, जहां उन्होंने जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नवादा नालंदा जिले के पुलिस प्रशासन टीम इस मौके पर मुस्तैद दिखी, तो वहीं मौके पर सीएम नीतीश ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने घोड़ा कटोरा जलाशय को नया नाम दिया है, अब घोड़ा कटोरा स्थित वाटर को गंगा जी राजगृह के नाम से जाना जाएगा। वाटर के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री नवादा स्थित मोतनाजे में बने वाटर प्यूरिफायर सेक्शन का जायजा लेने गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा जी का पानी नवादा नालंदा गया एवं बोध गया में लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। तो पहले ही चार से दिन कुछ तो किया नहीं, लेकिन जब 2020 में आपको मालूम है जनजीवन तैयारी अभियान के उसी समय तय किया कि गंगा जल की आपूर्ति हम करेंगे। तो यहाँ आपको राजगीर में, गया में, बोधगया में और नवादा, तो आप वहाँ के लिए भी अब पानी पहुँचने लगा गया बोधगया। खबर सुपौल जिला के निर्मली अनुमंडल से है, जहां पर डीएम कौशल कुमार ने जिला प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल दंड अधिकारी और भूमि सुधार उप के न्यायालय में संचालित विभिन्न वादों की समीक्षा की गई, जिसमें जिला प्रशासन की टीम ने अनुमंडल कार्यालय के कैशबुक आगत एवं निर्गत पंजी सहित विभिन्न अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। तो वहीं डीएम ने संचालित वादों को तीव्रता से निष्पादन की जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के बाद डीएम ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। मंडल कार्यालय और डीसीआर कार्यालय का निरीक्षण था, अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय का और डीसीआर न्यायालय का निरीक्षण किया गया। तो स्थिति संतोषजनक है और बात को समय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। खबर कैमूर जिले से है, जहां दुर्गावती बाजार में किसान यूनियन संघ व क्षेत्र के किसानों ने मिलकर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के समर्थन में शांति मार्च निकाला। बता दें कि इसकी अध्यक्षता किसान यूनियन संघ के उपाध्यक्ष सुनील कुमार के द्वारा की गई। ये शांति मार्च दुर्गावती बाजार स्थित डाक बंगला में शुरू हुआ, जो कि बाजार के दोनों तरफ भ्रमण कर पुनः डाक बंगला पर पहुंचकर समाप्त किया गया। इस दौरान किसान मजदूर संघर्ष समिति के अर्जुन कुशवाहा और उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सरकार व सरकार के अधिकारी के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है, और जब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जब अपने मंच से किसानों के मुद्दों को उठाया तो सरकार को बुरा लगा और कृषि मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। हम सभी किसान संघ के लोग वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा वापस लें। जैसे हम लोग की लड़ाई 15 वर्षों से सरकार से चल रही थी। हम लोगों ने ज्ञान भवन में नीतीश कुमार जी के सामने बात रखे थे कि आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मजदूर
बेटा कहने को तैयार नहीं है। किसान मजदूर का बेटा आज किसान बनने को तैयार नहीं है, इससे बड़ा दुख की क्या बात है। की लड़ाई वैसे तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर के तले हम कैमूर डिस्ट्रिक्ट से एक दूर दराज चार प्रखंड से चल करके आए, दुगावती बाजार में आए हैं। जो यह लड़ाई हम लोगों की है, जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों का शोषण हो रहा है सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे अधिकारियों के द्वारा, और कुछ नीतियां ऐसी गड़बड़ है जो किसान जहां से आज दशकों से जहां से आए वहीं आज इसको सुधर नहीं पाई है। नवादा शहर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। तो वहीं इस दौरान निजाम खान ने कहा कि शांति सद्भाव के साथ हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर जुलूस निकाला गया। जुलूस के माध्यम से अमन और शांति का पैगाम दिया गया है। हम लोग जैसे लोग मना रहे हैं, हम लोग जुलूस निकाले हुए हैं शांतिपूर्वक, सभी सर पर टोपी लिए हुए हैं, हाथ में तवील लिए हुए हैं, ऊपर सरकार की अमन मरहबा का नारा लगा रहे हैं। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो हमारे पैगंबर दुनिया में आए वो सबके लिए रहमत बन करके आए, ना कि सिर्फ मुसलमान के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। इन्हीं के पैदाश की खुशी में हम लोग आज जुलूस निकाले हुए हैं और सरकार की अमन मरहबा का नारा हम लोग लगा रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के मौके पर बक्सर में ईद मिलादुन्नबी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर में जुलूस निकालकर खुदा से अमन चैन की दुआ मांगी। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मिलादुन्नबी की बधाई दी। शहर के विभिन्न मोहल्ले में मिलादुन्नबी का जुलूस देश के तिरंगे झंडे के साथ सुबह से शुरू हुआ और दर्जन से अधिक डीजे झांकियों और दो दर्जन घोड़ों के साथ युवा पुरुष और बच्चे झूमते हुए निकले। जुलूस के दौरान बग्घी पर सवार होकर समाज के धर्मगुरु ने लोगों को धर्म के बारे में बताया और अमन के साथ रहने की अपील की। इस मौके पर कई मुस्लिम संगठन के लोग मौजूद थे। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, इस मौके पे देख रहे हैं भारी संख्या में जुलूस निकली है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। और इस जन्मदिन के मौके पे सभी जितने मुस्लिम लोग भाई लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं, सभी मिलजुल के ये इस पर्व और त्यौहार को मिलजुल के मनाया जा रहा है। मननपुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में कमेटी के लोगों द्वारा दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद दुर्गा मंदिर के प्रांगण में कमेटी के लोगों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में खिचड़ी और चोखा लोगों को प्रसाद स्वरूप बांटा गया। भंडारा में बटने वाले प्रसाद को लेने हजारों की संख्या में महिला पुरुष और बच्चे पहुंचे। तकरीबन 75 किलोग्राम चावल का प्रसाद खिचड़ी के रूप में बांटा गया। बता दें कि इस प्रसाद को पाने के लिए कई जगहों से लोगों का आगमन होता है, तो वहीं इस अवसर पर लोगों ने कहा कि इस प्रसाद को ग्रहण करना बड़ा ही पुण्य होता है। इस प्रसाद को पाने के लिए हर छोटे बड़े लोग इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं। इस दौरान कमेटी के लोगों के संग भंडारे में अन्य लोग भी शामिल हुए। पूजा सावन का प्रमुख मेला है और जो मननपुर बाजार से सटे हुए गांव हैं, सारे गांव हैं, ईटाउन, संग्रामपुर, रामपुर, भंडार, यहां से लोग भी आए हैं और माता के प्रति आस्था है और इनके प्रसाद पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। लगभग सारे गांव से लोग आए हैं और लगभग 5,000 लोग प्रसाद खाएंगे। हमारे दुर्गा मंदिर के पास आए हुए हैं और शनिवार है और मैं खिचड़ी का आपके जो भी प्रसादी यहाँ पर है और हम सारे लोग खाने के लिए आए और काफ़ी भीड़ की संख्या में हमारे इस मननपुर के जो भी हमारे जनता है यहाँ के प्रसादी खाने के लिए आए, काफ़ी भीड़ है सर। और मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से लेके, माता रानी कृपा करेंगे कि नेक्स्ट बार जो भी आपका ऑलरेडी मेरा अभी पूजा स्टार्ट हो के अगला बार इससे भी ज़्यादा भीड़ ऑलरेडी नेक्स्ट बार आए सर। नालंदा जिला अंतर्गत चंडी थाना क्षेत्र के योगिया मोड़ घंटोरड़ क्षेत्र में तब्दील रहा। आए दिन सड़क हादसे में मौत से आक्रोशित ग्रामीण रोड ब्रेकर की मांग को लेकर जमकर उत्पाद मचाया।
युवकों की टोली ने योगिया मोड़ पहुंचकर एनएच 78 पर टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया। युवाओं को उत्पाद मचाते देख यात्री लोग में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो उधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही चंडी थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित युवाओं को समझाने का प्रयास किया, मगर वे लोग पुलिस से उलझते हुए ईंट व डंडा बरसाने लगे। इसके बाद भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने सभी उपद्रवियों को मौके से खदेड़ दिया। इसके बाद सड़क जाम हटवाया जा सका। बक्सर में शहर के बीच स्थित जमुना चौक पर हर साल की भांति इस साल भी भव्य भरत मिलाप का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के विभिन्न मोहल्ले से एक बढ़कर अद्भुत झांकियां निकाली गई, जिसको देखने के लिए शहर के हजारों लोग रात भर उपस्थित रहे। इस दौरान आकर्षक झांकियों का मनमोहक प्रदर्शन हुआ। रामायण और देशभक्ति पर आधारित झांकियों को देखने के लिए पूरी रात नगर में भीड़ जमी रही। भारी भीड़ को देखते हुए मेले में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। आदर्श हम सबको सीखने का मिलता है। ये बड़े भाई जिनका गद्दी मिला था और उस गद्दी को भाई भरत ने मैंने खराऊ रख करके चलाया, ये एक बहुत बड़ी आदर्श है और समाज को शिक्षा मिलती है। कितने वर्षों से हो रही है करीब करीब? हाँ, ये बक्सर में करीब 106 मैंने आदिकाल का ही 106 साल से ज़्यादा से रामलीला बक्सर में होते आ रहे। आरा के बिहिया थाना क्षेत्र के महुआव गांव में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं मौके पर मौजूद परिजनों द्वारा जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां जख्मी का इलाज चल रहा है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करने में जुट गई है और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। खाती तो उनकर लड़का गुली पांडे और जो उनकर मेहरारू हकीम पांडे विजयराज पांडे हकीम पांडे दोनों नाम उनकर है। अच्छा, अब यही पर परिजन ही आई थी करके। ये कितना जमीन था? जमीन 8 का था। किसका था? हमारा जमीन है। अच्छा, आपका है। हम अपने घर पर सोए थे सुबह में, हमारे बड़े भाई ने हमको फ़ोन किया, जाओ घर देखो खेत पर रात में वो कब्जा लो किया है जमीन। कौन लोग? बिजाज पांडे मेरा चाचा है। ठीक है, उसके औरत चाचा क्या लगते हैं जिनको गोली लगाए? ये मेरे चाचा हैं। अच्छा, वो चचेरा चाचा? वो भी चचेरा चाचा है। हाँ। ये जमीनी विवाद है पहले से। कितने कट्ठे का? ये जमीनी 8 कट्ठा के लेगा है। नालंदा में पशु के लिए चारा लाने गए एक किसान की करंट की चपेट में आ गया, जिसे आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की पुष्टि के बाद सदर अस्पताल आए परिजनों की चीख पुकार से अस्पताल का माहौल गमगीन हो गया। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लुंज पुंज तारों के कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, जिस पर बिजली विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उधर करंट की से मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंप दिया और उधर आगे की घटना की जानकारी में जुट गई। घास लाने गए, खंडा में तार गिरा हुआ था। अच्छा, उसी के चपेट में आ गए। अच्छा, ये घटना स्थल का नाम कहाँ है, जहाँ पे घटना हुआ? कौन गाँव के पास है? खंडा में। खंडा गांव के पास, खंडा में। मृतक का क्या नाम हुआ? अजय। खबर नवादा से है, जहां गंभीर अवस्था में अस्पताल लाई गई नवादा के गोपालपुर निवासी 80 वर्षीय उर्मिला देवी को पेसमेकर लगाकर जान बचाई गई। जिले में पहली बार इस तरह की सर्जरी कर पेसमेकर लगाया गया। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स और अस्पताल की सेवा भावना और आधुनिक तरीके से की गई इलाज की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि नवादा में इस तरीके के हॉस्पिटल खुल जाने से मरीज और उनके परिजनों को काफी सहूलियत हो रही है। तो वहीं धर्मशीला देवी हॉस्पिटल के चेयरमैन अविनाश कुमार ने कहा कि नवादा का इतिहास बदला है, अब अस्पताल में पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है और किसी भी मरीज को दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की हॉस्पिटल की संरचना है और सुविधा है नवादा नहीं, अच्छे अच्छे सिटी में जहाँ पर पहले से हॉस्पिटल रन कर रहे हैं
वहाँ पर बहुत बड़ी एसेट है। अच्छी बात है कि जो इनके ओनर है वो नवादा से बिलोंग करते हैं और यहाँ के आदमी जो ये सोचे कि यहाँ कुछ अलग किया जाए, ये बहुत बड़ी सोच है और ये बहुत आगे तक जाएगी। पहला पीस मेकर का केस यहाँ पे आया और एक्चुअली कार्डियोलॉजी का एक सीरियस केस था। 80 साल की बुजुर्ग महिला है और उनको सक्सेसफुली एक पीस मेकर लगाया गया है उनको अभी, और कहा जा सकता है कि बहुत ही बहुत लंबा चला है प्रोसेस, क्योंकि नॉर्मली एक घंटे का प्रोसेस होता है, इसमें 3 से 4 घंटे लग गए। कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन था, बट फाइनली सब कुछ ठीक रहा है। अपराधियों के द्वारा लगातार भागलपुर जिले में हत्याओं का दौर जारी है। पिछले एक महीने में अपराधियों ने गोली मारकर और चाकू से गोदकर 10 से अधिक हत्याओं को अंजाम दिया है। ताजा मामला नवगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के पचगछिया टोला का है, जहां पर 55 साल के नागेश्वर सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मृतक के शव को देखने पहुंचे और थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो उधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद नवगछिया पुलिस और कदवा पुलिस 9 बजे रात में मरा, कितना बजे? 9 बजे घर से। ठीक, पता कब चला आप लोगों को? हम लोग 5 बजे सुबह दादी आए ना बस बकरिया देने के लिए, तभी उनसे गई। किसी से इसको कोई विवाद भी चल रहा था क्या? ना, चल रहा था, हम लोग को पता नहीं था कौन करता है। सहरसा के आरएम कॉलेज की महिला शिक्षिका दीप्ति प्रसाद का लापता होने को 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं मिलने से परिवार वाले काफी चिंतित हैं। आपको बता दें कि बीते 22 सितंबर को महिला शिक्षिका लापता हैं। परिवार वालों ने थाने में उनके लापता होने का मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन फिलहाल उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। बता दें कि शिक्षिका की घर से निकलते हुए एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। डॉक्टर दीप्ति प्रसाद, जो कि आरएम कॉलेज सहरसा में बीएड विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो 17 सितंबर से लापता हैं। वो 22 सितंबर को 8:31 में सुबह वो घर से निकली तैयार होके, उसके बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं मिला है और ये चीज़ रिकॉर्ड हुआ है हमारे घर के सीसीटीवी कैमरा में भी। उसके बाद से हमने पुलिस में कंप्लेंट दी अगले दिन ही, और उसके बाद से पुलिस ने उनका जो कॉल लोकेशंस या फिर फ़ोन का लोकेशन ट्रेस किया है, उससे पता चला है कि उनका लास्ट लोकेशन सहरौन करके एक गाँव है खगड़िया ज़िले में, उधर का कहीं का आया है। और उसके बाद से हम लोग ने जाकर भी वहाँ पे प्रयास किया लोगों से बात करने का, पूछने का कि किसी ने देखा है, या थानों से भी पूछा कि अगर कोई ऐसा संदिग्ध मिला है कुछ भी, तो किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसा नहीं मिला। नवादा नगर थाना क्षेत्र के बेला शरीफ मोहल्ले में एक युवक को 4 लोगों ने जिंदा जलाकर जान से मारने का प्रयास किया, जिसकी आसपास के लोगों ने आग को बुझाकर जख्मी हालत में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर कर दिया गया। तो वहीं घटना पर पीड़ित युवक के परिजनों ने बताया कि 4 लोगों ने मेरे भाई को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। तो उधर जख्मी युवक अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, होश आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि किसने और किस कारणों से युवक को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया है। इसको बेली शरीफ में 4-5 लड़का ले गया, इसको खिला के जला दिया है। आशंका की कोई दुश्मनी से कर दिया? दुश्मनी से किया है, महल्ले का लड़का। क्या नाम था इनका? आपका क्या? मेरा संजय रजा। कौन हुए आपके? नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के पड़पा मोड़ के समीप अनियंत्रित पिकअप बोलेरो ने एक बाइक पर सवार 4 लोगों को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। बाइक पर सवार पिता और उनके 3 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी और एक 4 साल की बच्ची बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद आसपास रहे लोगों ने दोनों घायलों को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर पावापुरी
रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नारदीगंज सकरा मोड़ को जाम कर दिया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।